छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस ने जारी किए 53 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में 53 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है। रायपुर सिटी से विकास उपाध्याय, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह हैं, प्रेमनगर से खेलसा सिंह को टिकट मिला है, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट मिला है। एक और लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट मिला है। लंबी माथापच्ची के बाद यह लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। रायपुर सिटी से विकास को टिकट मिला है और यह पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। रायपुर सिटी से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। दुर्गा सिटी से अरुण वोरा हैं, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसा सिंह को टिकट मिला है, तखतपुर से रश्मि आशीष सिंह को टिकट दिया गया, बिलासपुर से शैलेश पांडे हैं, बेलतरा से विजय केशरवानी हैं, मसूरी से दिलीप लहरिया, अखलतरा से राघवेंद्र सिंह, ये तमाम वो नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें टिकट मिला है। रायपुर सिटी से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। जयजयपुर से बलेश्वर साहू हैं, पामगढ़ से शेषराज हरवंश को टिकट मिला है, बासना से देवेंद्र बहादुर सिंह, खलारी से द्वारकाधीश यादव, बिलाईगढ़ से कविता अपरन लहरे, बलौदा बाजार से शैलेश को टिकट दिया गया है। रायपुर से कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है, 53 उम्मीदवारों के इसमें नाम है। प्रेमनगर से खेलसाय सिंह को टिकट मिला है, भटगांव से पारसनाथ को टिकट दिया गया, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट मिला है, रामानुजगंज से अजय तिरके हैं, सामरी से विजय को टिकट मिला है, जशपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूडी मिंज को टिकट दिया गया, पथलगांव से रामपुकार सिंह, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट मिला है, रायगढ़ से प्रकाश शकरजीत नायक को टिकट दिया गया, सारंगढ़ से उत्तरी को टिकट मिला है, धर्मजयगढ़ से लालजी सिंह राठिया को टिकट मिला है, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर हैं, पाली से दुलेश्वरी सिद्धार को टिकट मिला है, मारवाही से के ध्रुव हैं, कोटा से अटल श्रीवास्तव हैं। तो दूसरी लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की और उसमें 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, 53 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं और क्या सोचकर किस फॉर्मूले के आधार पर ये नाम घोषित किए गए? देखिए, फॉर्मूला इस तरह का कोई नहीं है। फॉर्मूला तो सबसे बड़ा यही है कि भूपेश बघेल की जो सरकार चल रही है, भूपेश बघेल जो सत्ता में बैठे हैं, जो कांग्रेस की सरकार 15 सालों का वनवास काट के आई थी, उसको किस तरीके से दोबारा लाया जाए, किस तरीके से भूपेश 2.0 सरकार बनाई जाए, ये पूरी उसकी कवायद है। इससे पहले जब 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है तो उसके भीतर 7 नामों को काट दिया जाता है, 7 वो सिटिंग MLA को उड़ा दिया जाता है जो मौजूदा दौर में विधायक थे, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मतलब ये था कि उनके खिलाफ माहौल खराब था। जब ग्राउंड रिपोर्ट जुटाई गई, कांग्रेस ने अपने तमाम तरह के जो दूसरे संगठन है तो उसके आधार पर उनकी स्थिति बहुत खराब थी। स्थिति इतनी खराब थी कि दोबारा जीत पाना बहुत मुश्किल था। हम रायपुर से शुरू कर लेते हैं, इन 53 उम्मीदवारों में अब मौजूदा दौर में देखिए समझना होगा, 7 उम्मीदवार कांग्रेस के बाकी हैं लिस्ट जारी करने के लिए और 4 उम्मीदवार, क्योंकि 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बाकी थे, जिसमें से अब 1 सीट जारी कर दी गई, वो थी पंडरिया की सीट। अब 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बाकी, इसके इतर 7 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बाकी हैं। अब यदि शुरू किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर में, रायपुर राजधानी में 4 सीटें हैं, जिसमें रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण। रायपुर उत्तर की एक सीट ऐसी सीट थी जहां की कुलदीप जुनेजा मौजूदा विधायक थे, लेकिन वो जिस विभाग ने उनको सचिव बनाया गया था, संसदीय सचिव का पद दिया गया था, वो चेयरमैन के पद पे 3 साल उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया। अब कयास ही लगाए जा रहे थे कि उनकी टिकट कट जाएगी। कुछ और भी लोग थे जो अपनी दावेदारी तय कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमको मौका चाहिए, अब उस सीट को रोक दिया गया। इसके इतर यदि बात किया जाए, सत्यनारायण शर्मा मध्य प्रदेश के समय के मंत्री थे, उनकी जगह उनके बेटे को मौका दिया गया। देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि मौजूदा दौर में
80 पार कर चुके हैं सत्यनारायण शर्मा, अब उनकी जगह उनके बेटे को मौका दिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार वो मंत्री रहे, योगी के कार्यकाल में जो 2000 से 2003 तक जो सरकार थी अजीत जोगी की, उसमें वो मंत्री रहे, उसके बाद 15 सालों का वनवास था। अब जो मौजूदा दौर में उनकी जगह उनके बेटे को मौका दिया गया है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय मौजूदा विधायक है, उनको दोबारा मैदान में उतारा गया। और एक जो सबसे बड़ा नाम है पंडित श्याम सुंदर दास, इनको मौका दिया गया, दूधाधारी मठ के ये अध्यक्ष हैं, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार आई तो कांग्रेस से नजदीकियां हुई, अब इनको रायपुर दक्षिण जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है जिसको अजय सीट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनको अजय कहा जाता है, और ब्रजमोहन अग्रवाल का कद किसी से छुपा नहीं है, ये आपको भी पता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल की यदि बात आती है तो ये आता है, ये चर्चा होती है कि ब्रजमोहन अग्रवाल है तो खड़ा पाना बहुत मुश्किल है। वहां से पंडित श्याम सुंदर दास को मौका दिया गया। और भी यदि बात की जाए, प्रेमनगर की एक सीट थी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, प्रेमनगर की सीट पर रिवाइवल किया गया, खिलखा सिंह पहले भी थे उनको मौका दिया गया। प्रतापपुर की सीट थी, आपको याद होगा मंत्री थे प्रेम साय सिंह टेकाम, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, और इस्तीफा दिलवाने के बाद उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। उस सीट के ऊपर राजकुमारी मरावी इनको मौका दिया गया, तो वो एक नाम काट दिया गया है। उसके बाद यदि बात की जाए, एक और बड़ा नाम है रामानुजगंज की जब भी बात आती है, बलरामपुर ये सीट है, रामानुजगंज की जब भी बात आती है तो बात आती है बृहस्पति सिंह की। ये वही बृहस्पति सिंह है जो फोन करके एसपी को धमकाते हैं, ये वही बृहस्पति सिंह है जो फोन करके कलेक्टर को गालियां देते हैं, ये वही बृहस्पति सिंह है जो सड़क पर अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं, ये वही बृहस्पति सिंह है जिन्होंने टीएस सिंहदेव के ऊपर ये आरोप लगा दिया था कि राजा साहब मुझे मरवाना चाहते हैं, राजा साहब मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है और ये अंदेशा उनको था। अब आम आदमी पार्टी से वो अपने लिए फील्डिंग कर रहे हैं, उनका टिकट काटने के बाद अब रामानुजगंज से अजय तिरके, डॉक्टर अजय तिरके को मौका दिया गया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो बृहस्पति सिंह है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे के माने जाते हैं, लेकिन पीछे जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है, और टीएस सिंहदेव ने बातों में कह भी दिया था कि मेरे परिवार का अपमान नहीं सहा जाएगा, उन्होंने इशारों में कह दिया था कि अब आपकी टिकट नहीं बचेगी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ये एक फैसला लिया है कांग्रेस ने कि बृहस्पति सिंह का टिकट काट दिया गया। उसके बाद यदि और आगे बढ़ेंगे, सामरी और लूंड्रा, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर चिंतामणि महाराज का जिक्र होता है, चिंतामणि महाराज मौजूदा विधायक थे, उनको लेकर भी यही बात की गई थी, और चिंतामणि महाराज ने तो ये भी कह डाला था कि देखते जाइए, यदि मैं नहीं रहूंगा तो कार्यकर्ता किसी को जीतने नहीं देंगे, उसको भी हटा दिया। इसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे, जशपुर से चर्चा थी विनय भगत का नाम काटा जाएगा, लेकिन नहीं काटा गया, यूडी में इसको दोबारा दिया गया, राम पुकार को दोबारा दिया गया, लैलुंगा की सीट पर बदलाव किया गया, और बहुत लंबी फेहरिस्त है। यदि आप आगे बढ़ते चले जाए, कोटा से देखिए अटल श्रीवास्तव, एक नया नाम जुड़ा है कोटा से, ये कोटा से अटल श्रीवास्तव की यदि बात की जाए तो ये अध्यक्ष है, ये मौजूदा दौर में पर्यटन के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं, इनको टिकट दिया। ये जो सीट है कोटा और मरवाही की, इसको अजीत जोगी का गढ़ कहा जाता था, और ये पहली बार होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का चुनाव, छत्तीसगढ़ की राजनीति मध्य प्रदेश के समय से अजीत जोगी के इर्द गिर्द घूमी है बहुत लंबे समय तक, पहली बार होगा जब अजीत जोगी की गैर मौजूदगी में चुनाव होगा। और अब अटल श्रीवास्तव को मौका दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल श्रीवास्तव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं, कोटा से मौजूदा दौर में रेणु जोगी विधायक हैं, वहां से अटल श्रीवास्तव को मौका दिया गया है। मरवाही के ध्रुव बहुत निष्क्रिय विधायक कहा जाता है, उनको मौका दिया गया। इक्का दुक्का अगर छोड़ दें तो कैंडिडेट ज्यादातर मुख्यमंत्री की चॉइस के ही नजर आते हैं। देखिए ये कह पाना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि सात लोग अभी भी बाकी हैं। पिछली एक लिस्ट जारी हुई थी, एक सुंदर नाम दूंगा मैं, पिछली एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें खुर्जी से हन्नी साहू टीएस सिंहदेव के खेमे की मानी जाती थी, उनके पति पर, वो खुद वहां की विधायक है, लेकिन किसी मामले पर उनके पति के ऊपर FIR हो गया। अब सोचिए विधायक के पति के ऊपर उन्हीं के विधानसभा में FIR हो जा रहा है, विधायक से नहीं पूछा जा रहा है,
उनका टिकट काट दिया गया, तो मुख्यमंत्री के ही सिर्फ नाम चले ये कह पाना बहुत जल्दबाजी है। टीएस सिंहदेव के लोगों के भी नाम कटे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोगों के भी नाम कटे हैं, और अगर आप आगे चलते चले जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम है। बिलासपुर से कैलेश पांडे मौजूदा विधायक हैं अमर अग्रवाल के अगेंस्ट, इस बार दोबारा इनको मौका मिला है। टीएस सिंहदेव के खेमे के माने जाते हैं, आपको ताज्जुब होगा विधायक हैं, पिछले 5 साल में झंडा फहराने को तरस गए थे जी। मौजूदा स्थिति है, पार्षद बन के इन्होंने काम किया है, मजबूत कैंडिडेट हैं, इनको दोबारा मौका दिया गया। उसके बाद अगर और आप आगे बढ़ेंगे तो विजय केसरवानी को बेलतरा से मौका दिया गया है, दिलीप लहरिया एक मजबूत कैंडिडेट है मसूरी से, इनको मौका दिया गया। उसके साथ साथ यदि बात की जाए अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, ये नाम बहुत समय से चर्चा में था, एक नया नाम जुड़ा है जो पामगढ़ की सीट का है, शेष राज हरवंश, इनका नाम चर्चाओं में था, लेकिन इसके इतर दो नाम और घूम रहे थे, उनको मौका नहीं दिया गया। इसके यदि आप आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ा नाम है जो भिलाई की सीट का है, जिसकी चर्चा की जा रही थी, और ये चर्चा थी कि इस नाम को काट दिया जाएगा, उस नाम को काटा नहीं गया, उनको मौका दिया गया है, और उनको मौका देने के बाद अब ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगे थे देवेंद्र के ऊपर, उसके बावजूद यदि मौका दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। उसके आगे यदि बढ़ेंगे, राजिम से अमितेश शुक्ल को मौका दिया गया है, उसके अलावा यदि बात की जाए अरुण वोरा दुर्ग सिटी से, उनको मौका दिया गया है, क्योंकि देवेंद्र यादव और अरुण वोरा, यदि बात की जाए भिलाई की मैं बात कर रहा हूं, देवेंद्र यादव के ऊपर मौजूदा दौर में ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है, कयास ये थे कि इसी जगह उनकी पत्नी को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देवेंद्र यादव को दोबारा मैदान में उतारा गया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और छत्तीसगढ़ को इन 4.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ यदि कोई काम किया गया तो लूटने का काम किया गया, तो समझा जा सकता है एक ये नाम, इसके इतर यदि समझा जाए देवेंद्र, अरुण वोरा मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस की जो कोठरी है चाहे वो इंदिरा गांधी के दौर से यदि बात की जाए उस समय से वो टिके हुए थे, तो अरुण वोरा को दोबारा मौका दिया गया है। जगदलपुर से एक सीट थी जगदलपुर की, कयास थे कि मलकीत सिंह गेंदू, इनको मौका दिया जाएगा, लेकिन जितिन जायसवाल एक नया, इनको मौका दिया। बेमित्रा की जो सीट थी आशीष कुमार छाबड़ा, ताम्र साहू जो गृह मंत्री है उनके कहीं है, उनको दोबारा मौका दिया गया, दोबारा टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं नाम जो है, एक और चौंकाने वाला नाम है मैं आपको बता देता हूं, पहले ये संचार प्रमुख थे बलौदा बाजार से, शैलेश नितिन त्रिवेदी को मौका दिया गया है, मौजूदा दौर में पीपीएल पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन हैं, उनको मौका दिया, लंबे समय से बिल्डिंग कर रहे थे, संचार प्रमुख थे, इससे पहले शुरुआती दौर में जब सरकार का, जब भूपेश बघेल बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे थे, तो लंबा कार्यकाल इनका चला, सरकार बनने के बाद 2 साल तक रहे, तो इनको बलौदा बाजार से मौका दिया गया है। तो कई सारे ऐसे नाम है, रायपुर रूरल जिसको मैं ग्रामीण कह रहा था, पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा लंबे समय से विधायक है, मध्य प्रदेश के समय के विधायक है, उनकी जगह अब उनके बेटे को मैदान में उतारा गया, हालांकि वो चाबी रेखा 80 साल के हो चुके हैं, ऊंचा सुनते हैं, कुछ की कुछ बात कहते हैं, तो उनकी जगह उनकी बेटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उस लिस्ट में आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के भी करीबियों के टिकट कट गए हैं, टीएस सिंहदेव के करीबियों के भी कटे हैं, क्या सर्वे यहां पर कराया गया था मध्य प्रदेश की तर्ज पर? देखिए बात यहाँ मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने 2 साल के भीतर सरकार ही गिरा दी थी, कांग्रेस की स्थिति वहां किसी पर छुपी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो कांग्रेस की मजबूती की बात आती है, छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो भूपेश बघेल की बात आती है, और छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो भूपेश बघेल के उस नारे को याद किया जाता है, नरवा गरवा गुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी। जब सरकार बनी थी तो ग्राम स्वराजी की बात की गई थी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको याद होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे त्रिपुरा का चुनाव हो, और चाहे हिमाचल का चुनाव हो, कर्नाटक में तो आज सरकार बनी है, हिमाचल में तो आज सरकार बनी है, कांग्रेस के खेवैया और कांग्रेस के खेवनहार कह लीजिए, इस मौजूदा दौर में, इस जब नेगेटिविटी चारों ओर कांग्रेस में थी,
तब भूपेश बघेल अपने कंधे पे कांग्रेस को बिठाए आगे बेड़ा पार कर रहे थे, आज कर्नाटक में सरकार बन गई। तो यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, बैलेंस इसी भी जरूरी है क्योंकि मौजूदा दौर की जब राजनीति की बात की जाती है तो टीएस सिंहदेव का 2.5 साल का फॉर्मूला कोई भूला नहीं है, टीएस सिंहदेव की दिल्ली परेड कोई भूला नहीं है, भूपेश बघेल के विधायकों की दिल्ली परेड कोई भूला नहीं है। तो ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। अभी तमाम नामों को देखेंगे, जब देवेंद्र यादव को दोबारा टिकट मिलता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चलिए समझ आता है, जब बृहस्पति सिंह का टिकट कटता है तो समझ आता है टीएस सिंहदेव की चलिए। तो जो 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई इसमें तमाम पुराने नाम है। तो आप एक चीज तो समझ लीजिए कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये ईडी के रडार पर है, इसको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है, उनको मौका दोबारा दिया गया है। अब एक बात साफ हो गई है, जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर में अब सिर्फ सात कैंडिडेट बचे, उन 7 कैंडिडेट में कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे, क्योंकि जैसे रायपुर उत्तर की सीट का पेच फंसा हुआ है, उस पेच में संदीप जुनेजा बाजी मारेंगे, जो दूसरा नाम है पार्षद है मौजूदा दौर में अजीत कुकरेजा, क्या वो बाजी मारेंगे, एक ये नाम है। इसके इतर यदि समझा जाए, अब चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस मैनेजमेंट से चुनाव लड़ती है उसको नकारा नहीं जा सकता, देवेंद्र यादव का नाम आया है, आपको पता है किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि ईडी के रडार पर है, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस जिस तरीके से शासन कर रही है, कांग्रेस जिस तरीके से रूल कर रही है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये तमाम नाम है, और जब इन तमाम नामों की बात होती है, देखिए एक और बिलाईगढ़, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये बिलाईगढ़ की सीट भी ऐसी थी जिसमें चंद्रदेव राय, ये भी ईडी के रडार पर थे, इनका चैट लीक हो गया था, ईडी इनका चैट लीक हो गया था सूर्यकांत तिवारी के साथ, ईडी ने इनको रडार पर लिया था, इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया था, इनका टिकट काट दिया गया, इनकी जगह कविता प्राण लहरे को मौका दिया गया। तो सवाल ये है कि एक जगह सेम आरोप में आप टिकट दे दे रहे हैं, बिल्कुल दीपक, यानी पार्टी को रिस्क लेना नहीं चाहती है, फूक फूक कर कदम रखे गए हैं और बड़े ही जिताऊ कैंडिडेट मानकर इन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।